गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज सुलेख लेखन का दिन है। सुलेख लेखन मीन्स होता है सुंदर सुंदर लिखना। आपकी हिंदी की 5 लाइन्स की कॉपी है तो आपको कैसे लिखना है, ऊपर की 1 लाइन और नीचे से 1 लाइन छोड़ना है। बीच की 3 लाइन्स में आपको हिंदी के अक्षर और शब्द लिखने होते हैं, ठीक है, बीच की 3 लाइन्स में। तो मैं आपको 3 अक्षरों के कुछ शब्द देने जा रही हूँ, आप उसको पूरे पेज में सुंदर सुंदर लिखोगे, पूरे पेज में, ठीक है। तो पहला शब्द है कमल, कमल पहला शब्द है, कमल। दूसरा शब्द होगा गगन। दूसरा शब्द क्या है, गगन। और एक और शब्द देने जा रही हूँ, क ल श, कलश। कौन सा शब्द है, कलश। बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके जो अक्षर हैं वो लाइंस को टच हो करने चाहिए, जो ऊपर की लाइंस है और नीचे की लाइन है उसको टच होना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे पेज में इन्हीं शब्दों को लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, सुंदर सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुली। तो बच्चों, हम इन शब्दों से संबंधित नीचे पिक्चर भी बनाएंगे, चित्र, और उसको कलर करेंगे, उन चित्रों में रंग भरेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है हमारा, कमल। कौन सा शब्द है, कमल। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कमल क्या होता है, कमल एक फूल है, एक फूल का नाम क्या है, कमल। क्या बन गया हमारा ये, कमल। अगला शब्द क्या है, गगन। गगन मीन्स क्या होता है बच्चों, गगन मीन्स होता है आकाश। गगन मीन्स क्या होता है, आकाश। तो गगन कैसे हम बनाएंगे, गगन में हमें क्या दिखता है, सूरज। तो हम सूरज बना लेंगे, और क्या दिखता है, बादल। क्या दिखता है, तो हम बादल भी बना लेंगे, ठीक। और इसमें रंग भी भरना है आपको, ध्यान रखिएगा। कमल को हम किस रंग से कलर करेंगे, कौन सा रंग भरेंगे, गुलाबी रंग। और पत्तियों में कौन सा रंग भरेंगे, हरा। कौन सा रंग, हरा रंग। सूरज में कौन सा रंग भरेंगे, ऑरेंज कलर, संतरे का जो रंग होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर। और बादल में, क्लाउड्स में कौन सा कलर करेंगे, स्काई ब्लू, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, कलश। तो हम क्या बनाएंगे, कलश। कलश ऐसे बनाते हैं, क्या बना रहे हैं हम, कलश, ठीक है। कलश पे क्या होता है, आपने देखा होगा पूजा में नारियल होता है और उसमें क्या होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कलश। अब हमें इसमें रंग भरना है, ठीक है।